नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पुराने लैंड बिल की वजह से 3 लाख किसानों ने खुदकुशी की, कहा नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर करारा हमला करते हुए कहा कि पिछले 60 सालों तक देश में पुराने लैंड बिल की वजह से 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। ये सब एक पुराने कानून के चलते हुआ जो किसान विरोधी था, लेकिन तब सरकारों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमने बुरे दिनों से मुक्ति पाने के लिए अच्छे दिनों का नारा दिया था। तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था ने चीन को पछाड़ा। भारत इस वर्ष जनवरी मार्च तिमाह में 7.5% आर्थिक वृद्धि हासिल कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह निश्चित रूप से साबित करता है कि अर्थव्यवस्था सुधार की राह पर है। इससे पहले तीसरी तिमाही अक्टूबर दिसंबर में आर्थिक वृद्धि 6.6% थी। वर्ष 2014-15 में पूरे साल की GDP वृद्धि दर 7.3% रही, जबकि इसके पिछले साल ये 6.9% थी। गर्मी का कहर जारी, देश भर में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत। देश के कई हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से मरने वालों का आंकड़ा शनिवार को 2005 हो गया। झारखंड का पलामू सबसे गर्म स्थान रहा, जहां 47 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू से मरने वाले लोगों की संख्या का बढ़ना जारी है। दोनों राज्यों में मिलाकर कुल 1979 लोगों की मौत हो चुकी है। उग्रवादियों ने बलूचिस्तान में अगवा 19 यात्रियों को मार डाला। पाकिस्तान के हिंसाग्रस्त बलूचिस्तान प्रांत में उग्रवादियों ने कराची जा रही 2 बसों से अगवा किए गए कम से कम 19 यात्रियों को गोली मार दी। क्वेटा से कराची जा रही 2 बसों से मस्तुंग जिले में उग्रवादियों ने करीब 30 से 35 यात्रियों को अगवा कर लिया था। बलूचिस्तान के गृह मंत्री सरफराज बुख्ती ने शुक्रवार को बताया कि अपहरणकर्ता करीब 20 से 25 थे और उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया। टेक्सास तूफान राष्ट्रीय आपदा घोषित। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पिछले 2 दिनों में टेक्सास में आए तूफान को विनाशकारी आपदा घोषित किया है। इस तूफान से 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान से नदियां उफान पर हैं। तूफान के बाद कुछ क्षेत्रों में 17.8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। गवर्नर ग्रेग अबोट ने बताया कि विनाशकारी तूफान और बेमौसम बारिश से टेक्सास के लोग सबसे अधिक प्रभावित हुए। 70 काउंटियों को आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है।